है, पंजाब पुलिस द्वारा खरगोन पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए काजलपुरा से 63 पिस्टल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन क्षेत्र के काजलपुरा क्षेत्र से यह पिस्टल बरामद की गई और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि पिछले दिनों पंजाब से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनके पास से भारी मात्रा में पिस्टल बरामद की गई थी। इनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई करते हुए आज मध्य प्रदेश के खरगोन में दबिश देते हुए पंजाब के अमृतसर थाना क्षेत्र की पुलिस टीम द्वारा काजलपुरा क्षेत्र से कैलाश सिंह, सोनू सिंह और भूरे लाल निवासी बताए जा रहे हैं, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 63 पिस्टल भी बरामद की गई है। यह पिस्टल पंजाब क्षेत्र में सप्लाई करने वाले थे। इन तीनों आरोपी की ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से लेने के बाद आरोपियों को पंजाब ले जाया जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ पंजाब में करीब 24 प्रकरण दर्ज हैं और भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया सर, कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर ले भी जा रहे हैं सर, पंजाब पहुंच रही है यहाँ पर, क्या मामला सर? सर ये पिछले महीने 8वें महीने 2 बंदे जय शर्मा ते दीपक प्रताप पंजाब से पकड़े थे, तो उन्होंने से कोई 504 पिस्टल पकड़े थे जो इन्हों को पासों लैके गए थे। अभी उसके तहत कार्रवाई करते हैं। इंस्पैक्टर इंद्रदीप की अगवाई हेठ एक मध्य प्रदेश में टीम आई, जिसने कैलाश सिंह, सोनू सिंह और भूरे लाल को गिरफ्तार करके 63 पिस्टल जड़े अं पकड़े। इतों कहाँ सर इनको गिरफ्तार किया? काजलपुरा से किया जी, खड़गांव रोड से। कहाँ सप्लाई करने वाले थे सर? ये पंजाब से और भी राजस्थान जिमें भी है, अगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी फिर दस पाएंगे। और भी इनसे कोई असला बरामद हुआ था? जी अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। कहाँ ले जाएंगे सर इनको? इसको पंजाब लेके जाएंगे, अमृतसर में। मतलब कोई रजिस्टर्ड केस हुआ है सर जी? कोई रजिस्टर्ड केस हुआ है सर? हाँ केस दर्ज हुआ है, 24 FIR है जो पंजाब में, इसमें दर्ज हुई है SSOC अमृतसर में। सप्लाई करते थे सर ये पंजाब? जी जी सप्लाई करते थे पंजाब से, और पंजाब के लेके भी जाते हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही बताएंगे अभी सभी। क्या नाम, शुभ नाम आपका सर? सब इंस्पेक्टर जगदीप सिंह। कहाँ से सर थाना? अमृतसर।